फरुखाबाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश की उड़ रही धज्जियां। समय से नहीं खुल रहे पूर्व माध्यमिक विद्यालय। शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि जो विद्यालय बंद पाए गए हैं उन समस्त स्टाफ के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। फिरोजाबाद के सिरसागंज में विद्यार्थियों ने लिया भूजल स्रोतों को बचाने का संकल्प। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद के जिला समन्वयन अश्वनी जैन के संयोजन में भूगर्भ जल समाप्त के अंतर्गत विद्यार्थियों को भूजल से संबंधित संकल्प दिलाया। जनपद बलरामपुर के गैंसडी में शांति भंग करने के आरोप में 6 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर धारा 151, धारा 107, धारा 116 CRPC की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय भेजा गया। बलरामपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में अभिमुखी कार्यशाला का आयोजन कराया गया। 20 जुलाई 2022 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अभिमुखीकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन। गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल को बताया ठग। कहा 11 लाख घरों की कमर तोड़ बेच रहे मुफ्त बिजली का छूट। दिल्ली की महिला से कासगंज में दुष्कर्म। युवक ने हिंदू बनकर की दोस्ती, फिर की घिनौनी हरकत। बुंदेलखंड में भाजपा के विजय रथ के लिए और पक्की सड़क। 2024 में विपक्षी दलों की राह रूह कर सकता है एक्सप्रेसवे। एक्शन में योगी पुलिस। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप पर लगाया गया NSA। PDA ने घर पर भी चला दिया बुलडोजर। कांग्रेस के लोगों ने किया सभापति गोविंद पंडित का स्वागत। सापा पहनाकर किया अभिनंदन। देखते रहिए DB भारती समाचार। नजर हर खबर पर।